My name is Archana Singh and you are watching Travel See Right channel. आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाना चाहती हूँ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेट्स है, राजस्थान, द लैंड ऑफ महाराजाज, इज फेमस फॉर इट्स ऑपुलेंट पैलेसेस, फोर्ट्स, यू नो, वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेडिशनल कल्चर, डिलिशियस फूड दैट यू फाइंड इन राजस्थान. Before I tell you about this hidden jewel of area where I went, let me take you to the city of lakes, उदयपुर. लद्दाख के बाद हम आ पहुंचे हैं मेवाड़, राजस्थान टूरिज्म के बुलावे पे. और हम यहाँ क्यों आए हैं, हम आपको दिखाएंगे मॉनसून में मेवाड़ कैसा दिखता है. तो देरी किस बात की, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ उदयपुर एंड आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम टू शो यू द मॉनसून ब्यूटी ऑफ उदयपुर. सो लेट्स गो. Udaipur is also known as the Venice of the East because of the number of lakes that are found in the city. जैसे कि सबसे famous lakes हैं आपके लेक पिचोला है, लेक फतेह सागर है, लेक स्वरूप सागर है, उदय सागर है, बड़ी लेक है, दूध तलाई है, बहुत सारे छोटे बड़े लेक हैं उदयपुर में. If you're going to Udaipur, then one place which is the best place अगर आपको sunset और sunrise देखना होता है वो है करणी माता का temple. तो it is on a hilltop, तो आपको rope से जाना पड़ता है वहाँ पर cable car लेके. But वहाँ से जो पूरा view आता है पूरे city का, like नीचे आपको फतेह सागर, you know, Lake Pichola और City Palace सब कुछ दिखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. Hey guys, good morning. आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम जाएंगे सिटी पैलेस एंड उदयपुर की बाकी चीज़ें देखने के लिए. एक लंच होगा हमारा एंड उसके लंच के बाद वी विल गो टू सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ इज़ अ मानसून पैलेस. वहाँ पे इनफैक्ट अगर आपको मानसून का मज़ा लेना देन देयर कांट बी अ बेटर प्लेस देन सज्जनगढ़. वहाँ पे बादल एकदम नीचे आ जाते हैं. इनफैक्ट वहाँ जो राजा थे, मेवाड़ किंग थे, उन्होंने वो बनाया इसलिए था मानसून का मज़ा लेने के लिए. सो आई रियली कांट वेट. आप तैयार हैं? चलो फिर देखते हैं. शहर का सबसे फेमस पैलेस जो है, रादर आई वुड से जो पूरे स्टेट का सबसे फेमस पैलेस है, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर, विच इज द लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पैलेस इज दैट इट्स strategically built on a hilltop. It was built in 1559, 6 years after the city was founded in 1553 by Uday Singh. So, इस पैलेस में अभी तक 23 generations रही हैं. In fact, currently also, the royals live here. They live in Shambhu Palace. हम इस वक्त खड़े हुए हैं जनाना महल में, सिटी पैलेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पर रॉयल वेडिंग्स होती थी, अभी भी होती हैं. ये सारा एरिया बहुत अच्छे से लिट अप हो जाता है. देर आर लाइक 5 डिफरेंट महल इन दिस प्रिमाइज एंड ये उनमें से एक पार्ट है जो पब्लिक के लिए ओपन है. ये सारा एरिया डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं इसमें, लाइक दिस यूरोपियन, दिस चाइनीज, अ बिट ऑफ इंडियन, सो देर आर लाइक डिफरेंट स्टाइल्स विच यू कैन सी हियर. आफ्टर सिटी पैलेस हमने सोचा कि चलो राजस्थानी खाना खाते हैं, तो हम पहुंच गए जी थ्रिल एडवेंचर जोन पे.
अगर आप राजस्थान आएं और राजस्थान का खाना ना एंजॉय करें, ये तो ऐसी बात हुई जैसे कि मानसून आए और बारिश ना आए, इम्पॉसिबल है ना। तो मैं भी आ गई हूँ राजस्थान और यहाँ का मेवाड़ी थाली आज एंजॉय करने वाली हूँ। अगर मुझे कोई एडवेंचर के लिए बोले तो मैं कभी मना नहीं कर सकती, चाहे वो कहीं पर भी होता है। एंड आई डिड जिप बाइकिंग इन उदयपुर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगी वहाँ पे। शाम जब हुई तो हम लोग सज्जनगढ़ गए। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ सज्जनगढ़ में, जिसे के मॉनसून पैलेस भी कहते हैं, बिकॉज ये जो सज्जन सिंह जो थे यहाँ के राजा उदयपुर के, उन्होंने बनाया था स्पेशली मॉनसून को इंजॉय करने के लिए। यहाँ का जो व्यू आता है वो एकदम 360 डिग्री व्यू आता है, और जब आप यहाँ पे आते हो ये एकदम पहाड़ी के ऊपर है, तो ऐसा लगता है कि आप ना बादलों के बीच में हो। यहाँ हमेशा बहुत तेज़ हवा चलती रहती है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, आपको पूरी पूरी फीलिंग आती है आप किसी हिल स्टेशन में आ गए हो। तो फिर चलिए मैं आपको, सज्जनगढ़ में हम सनसेट के टाइम तक रुके थे, एंड व्हेन वी केम बैक देयर वाज अ डिलीशियस डिनर वेटिंग फॉर अस एट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स ऑफ द सिटी, व्हिच इज अम्ब्राही रेस्टोरेंट। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो। अगले जो 3-4 दिन थे वो हमने स्पेंड करे थे बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा रेवलेशन था इस ट्रिप का, जिसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। So this brings us to the end of the first episode of my trip to Rajasthan. If you liked the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends and families, and subscribe to Travel See Ride channel.